टाटा मोटर्स की अपकमिंग फेसलिफ्टेड नेक्सॉन को एक बार फिर से रोड टेस्ट करते हुए स्पाइक कर लिया गया, जहां इस बार इसके एक्सटीरियर चेंजेस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल पाया है। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप नेक्सॉन और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2024 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2024 नेक्सॉन के फ्रंट और साइड प्रोफाइल की झलक देख सकते हैं, जहां इसका स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप की वर्किंग दिख रही थी। इस टेस्टिंग नेक्सॉन में LED DRLs के ठीक नीचे हेडलैम्प यूनिट दिया हुआ था, जो कि मोस्ट प्रॉबली प्रोजेक्टर यूनिट था, और शायद से LED लैम्प्स दी हुई थी प्रोजेक्टर सिस्टम में, और ना कि हैलोजन, जो कि एक बहुत बढ़िया अपग्रेड होने वाला है। बाकी इस नए डिज़ाइन की वजह से ये और बेहतर लगेगी फ्रंट से, बिल्कुल मिनी हैरियर जैसी। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर एंड को देख सकते हैं, जहां इसकी LED टेल लाइट्स की वर्किंग क्लियरली दिख रही थी, जिससे ये कन्फर्म होता है कि नई नेक्सॉन में हमें LED टेल लाइट्स विद कनेक्टिंग लाइट बार मिलने वाली है। इसकी टेल लाइट्स करंट जनरेशन नेक्सॉन के टेल लाइट से ही इंस्पायर्ड हैं, और उन्हीं को बेटर करते हुए ये इसको एक बहुत बढ़िया लुक ऑफर करती हैं। तो ये तो हो गई 2024 टाटा नेक्सॉन की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन में हमें पेट्रोल, डीजल, CNG और ऑल इलेक्ट्रिक वेरियंट्स मिलेंगे, जिनमें से एक इंजन होगा 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 125 PS की पीक पावर और 225 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल और DCT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा इंजन होगा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 120 PS की पीक पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें सेम गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तीसरा इंजन होगा टर्बो पेट्रोल CNG डुअल फ्यूल इंजन, जो कि अराउंड 100 PS की पीक पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ भी हमें सेम गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। और आखिरी इलेक्ट्रिक वेरिएंट में हमें नया बैटरी पैक विद लॉन्ग रेंज वाला इंजन मिल सकता है। तो ये तो हो गई 2024 नेक्सॉन के एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नई नेक्सॉन में हमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, फुल LED हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट्स विद लाइट बार, 16-inch डुअल टोन अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, शार्क फिन एंटीना, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10.25-inch टच स्क्रीन सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्योरीफायर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक IRVM, LED इंटीरियर लाइट्स, JBL साउंड सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेड सीट्स, लेदर आप स्टेयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, हेड्स अप डिस्प्ले, पावर ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक AC, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर AC वेंट्स, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कूल ग्लव बॉक्स, ड्राइव मोड्स, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, रियर वाइपर, वॉशर और डी फॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई नेक्सॉन में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2024 नेक्सॉन के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करते हैं। टाटा मोटर्स नई नेक्सॉन को 7.7 लाख से 14 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2024 के फेस्टिव सीजन में है, और लॉन्च होने के बाद ये SUV
महिंद्रा XUV 300, मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट जैसी SUVs के साथ कंपीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2024 टाटा नेक्सॉन SUV से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।